हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैके केवन। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आज मैं आपको ऐसे मेजर फैक्ट बताने वाला हूं जो आपने शायद ही कभी देखे हों। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 5, जब हम मूवी देखने जाते हैं तो इमोशनल सीन आने पर हमारी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और उन आंसुओं को पोंछने के लिए हम अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। जापान में अगर आप मूवी देखने जाते हो और इमोशनल सीन आने पर आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो इसके लिए आप एक बंदा हायर कर सकते हो जो आपके साथ बैठकर मूवी देखेगा और आंसू निकलने पर आपके आंसुओं को भी पहुंचेगा। है ना मेजर फैक्ट? इस फैक्ट पर 1 लाख तो बनता है। फैक्ट नंबर 4, आपने कभी न कभी टीवी न्यूज चैनल या फिर अखबार में देखा ही होगा कि आज इसकी किडनैपिंग हो गई या फिर उसका अपहरण हो गया। किडनैपिंग केवल इंसान ही नहीं करते, चींटियां भी करती हैं। यह बात सुनकर शायद ही आपको यकीन हुआ होगा, लेकिन ये सच है। अमेरिका के अमेजन जंगल में रहने वाली पोलेजस नाम की चींटी दूसरी चींटियों की किडनैपिंग करती हैं और ये किडनैप की गई चींटियों से नौकर की तरह काम करवाती हैं। है ना मजेदार फैक्ट? फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लड़कियों के शर्ट के बटन लेफ्ट साइड में और लड़कों के शर्ट के बटन राइट साइड में लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? वैसे तो इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन मॉडर्न दुनिया में गर्ल्स एंड बॉयज में कोई अंतर नहीं है, इसलिए गर्ल्स एंड बॉयज की शर्ट में अंतर करने के लिए लड़कियों के शर्ट के बटन लेफ्ट साइड में और लड़कों के शर्ट के बटन राइट साइड में लगाए जाते हैं। क्या आपको इसके बारे में पता था? कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि आप सबसे अधिक खुश किस दिन होते हो और सबसे अधिक दुखी किस दिन होते हो? अगर आप एक स्टूडेंट या फिर आप एक वर्कर हो तो आप सबसे अधिक खुशी शनिवार के दिन होंगी क्योंकि कल संडे आने वाला है, और सबसे अधिक दुखी संडे के दिन होंगे क्योंकि कल मंडे आने वाला है। मंडे यानी कि वर्किंग डे, क्यों सही कहा ना? फैक्ट नंबर 1, हमारी भारतीय संस्कृति में सभी औरतों को चूड़ियां पहनने का रिवाज है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चूड़ियां क्यों पहनी जाती हैं? इसका धार्मिक कारण के साथ साथ साइंटिफिक कारण भी है। हाथों में चूड़ियां पहनने से त्वचा और चूड़ियों के बीच घर्षण होता है जिससे एनर्जी उत्पन्न होती है। ये एनर्जी शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है जिससे दिल से जुड़ी बीमारियां भी कम होती हैं। इसके साथ ही महिलाओं को एनर्जी भी मिलती है। जिन महिलाओं के हाथों में चूड़ियां होती हैं तो उनके बजने से वातावरण की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और उनके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।